अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट नंबर 18 को आज समझना है और परफॉर्म भी करना है, और वो जो प्रैक्टिकल है वो है टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बाय पैरेलेक्स मेथड। बेसिकली एक नॉन पैरेलेक्स मेथड है जिसमें पैरेलेक्स नहीं होना चाहिए, जिसको यहाँ पे पैरेलेक्स मेथड कहा गया है, और फोकल लेंथ फाइंड करनी है। सारी जो बेसिक्स हैं उनको भी रिवाइज करते हैं ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, और मेथड का नाम है पैरेलेक्स मेथड या नॉन पैरेलेक्स मेथड भी कहा जाता है। वो इंशाल्लाह आपको मेथड में समझा दूंगा मैं। अपरेटस में हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट और इमेज नीडल्स, दो नीडल्स होंगी, एक ऑब्जेक्ट और एक इमेज नीडल कहलाती है। जो आपकी तरफ होगी याद रखिए, वो कहलाती है इमेज पेन, और जो दूसरी तरफ होती है वो कहलाती है ऑब्जेक्ट पेन। एक ऑप्टिकल बेंच होगी, और कभी कभार बेंच नहीं भी होती ऑप्टिकल, ठीक है, उसकी जगह पर जो है वो सिर्फ एक मीटर रॉड दे दी जाती है, ठीक है ना। और इसी तरीके से पीस ऑफ चौक या कॉन्वेक्स लेंस वगैरह ये लाजमी है। वर्किंग फार्मूला 1/P बराबर होता है 1/P प्लस 1/Q इज इक्वल टू 1/F, और आप जानते हो व्हाट इज पी, व्हाट इज एफ, व्हाट इज क्यू। एफ जो है वो फोकल लेंथ होती है। व्हाट इज फोकल लेंथ, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्यू है इमेज डिस्टेंस, और ये जो बातें हैं ना इनको पहले समझ भी लो क्या चीज है। देखो, एक ऐसा लेंस जिसको बाय ज्योमेट्री अगर देखा जाए तो उसकी जो एजेस होती हैं ये जो है वो थिन होती हैं, और जो सेंटर होता है वो थिक होता है। अगर ज्योमेट्री देखी जाए तो ज्योमेट्री के मुताबिक यही कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस की खास बात यह है कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस से पैरेलल रेज ऑफ लाइट पास होती हैं, तो ये उन पैरेलल रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। इसी वजह से इसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है ना। इसी वजह से इसे कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। और ये जो पॉइंट है जहां पर पैरेलल रेज आकर जमा हो जाती है, बेसिकली उसको कहते हैं एफ से शो करते हैं, और वो कहलाता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। फोकस होता है बेसिकली, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और ये जो सेंटर पॉइंट होता है लेंस का, इसको शो करते हैं ओ से, एंड व्हाट इज ओ, इट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है जी। अब एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं, और वो होता है ओ से लेके एफ तक का फासला। ओ से लेके एफ तक का फासला यानी कि यहां से लेके जहां पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट जमा हो जाती है उसको जो है वो कहा जाता है, यानी कि बिल्कुल फोकस्ड हो जाती है वो पॉइंट जो है वो प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ प्रिंसिपल फोकस तक का जो फासला होता है उसी को फोकल लेंथ कहा जाता है, जो कि इस प्रैक्टिकल के अंदर हम लोग मालूम कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस आप समझ गए, और आप ये भी समझ गए कि जो हम मालूम करने वाले हैं वो फोकल लेंथ है। लेकिन उस फोकल लेंथ को मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिकली थिन लेंस फॉर्मूला कहलाता है, या थिन लेंस इक्वेशन कहलाती है, जिसके मुताबिक 1/F बराबर होता है 1/P प्लस 1/Q के। जबकि F मैंने आपको बता दिया ये फोकल लेंथ होता है, P जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, और Q जो है वो इमेज डिस्टेंस होता है फ्रॉम द लेंस। P भी लेंस से नापा जाता है, Q भी लेंस से नापा जाता है। और याद दिहाने के लिए जो लेंस जो पिन आपकी तरफ होगी याद रखो वो इमेज पिन है, और जो दूसरी तरफ रखी होगी वो ऑब्जेक्ट पिन कहलाती है। अच्छा, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर हम चेंज कर लें, वेरी कर लें, तो एलसीएम लो, एलसीएम आ जाएगा नीचे पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, और ऊपर आ जाएगा पी प्लस क्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/F। तो अगर F की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल हुआ है, तो राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा P इंटू क्यू पी प्लस क्यू, ठीक है ना। तो बेसिकली जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो यही होगा, P इंटू क्यू और P प्लस क्यू। इस फार्मूले के जरिए जो है ना हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है जी। ये सारी बात बता दी मैंने आपको, वर्किंग फार्मूला बता दिया, थ्योरी बता दी, प्रोसीजर पर आते हैं। उससे पहले जरा ऑब्जर्वेशन जो है ना टेबल उसको समझ लो, ऑब्जर्वेशन टेबल इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, इस प्रॉपर्टी को मैं आपको बताता हूं, एक प्रॉपर्टी है कॉमन, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल फोकस, अगर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल फोकस पर, मिसाल के तौर पे ये आ गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास एक लाइन, इसे कहते हैं, ये वाली जो लाइन है ना ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। और इससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो आप मेजर कर लो, लेट से ये हो गया फोकस, ठीक है, और इसी डिस्टेंस को अगर इस तरफ मेजर कर लें तो ये हो जाएगा फोकस। इसी फोकस का अगर डबल कर लें तो ये कहलाता है 2F, और इसी फोकस का अगर डबल कर लें तो इधर भी आता है 2F। प्रॉपर्टी ये है कि मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया एग्जैक्टली 2F पे, ये जो एरो है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। अब
प्रॉपर्टीज ऑफ रेस के मुताबिक जो भी रे पास होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कॉन्वेक्स लेंस उसे क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस उसे कन्वर्ज कर देता है और ये पास होती है एफ से, एफ से पास होती भी जाती है और आगे बढ़ जाती है। इसी तरीके से जो भी रे पास होती है फ्रॉम फोकस और लेंस से गुजरती है, तो लेंस से पास होने के बाद वो एकदम पैरेलल हो जाती है। प्रॉपर्टी ये है कि जहां पे दोनों रेज मिलती हैं वहां पे इमेज बनता है, ये आ गया इमेज। तो याद रखने वाली बात ये है कि जब भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है 2F पे, तो इमेज के बारे में हम क्या क्या जाने, इमेज के बारे में पता चला कि इमेज की जो पोजीशन है वो क्या है, अभी बताते हैं देख के, उसका साइज कैसा है और उसका नेचर कैसा है, ठीक है ना, क्योंकि इसको हमने इस्तेमाल करना है ना इस प्रैक्टिकल के अंदर। पोजीशन होती है एट 2F, अगर ऑब्जेक्ट को हमने 2F पे रखा है तो इमेज भी 2F पे बनता है, और साइज जो है वो सेम होता है, सेम साइज, और नेचर ये है कि खुद ही रेज मिली है रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, तो जो आपको लेंस के अंदर पिन का इमेज नजर आएगा वो उल्टा नजर आएगा, इन्वर्टेड नजर आएगा, ठीक है ना, तो इन्वर्टेड यहाँ पर इमेज नजर आता है लेंस के थ्रू। तो इसी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे कि 2F पे जब भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी 2F पर बनता है, ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है ना डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इसकी एक खास बात यह है कि हम जो ऑब्जर्वेशन लेंगे ना, चार ऑब्जर्वेशन कर लें अगर या तीन ऑब्जर्वेशन कर लें या पांच ऑब्जर्वेशन होती हैं बेसिकली ना, उसको मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप मालूम करोगे इसकी अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ, क्योंकि इसके मार्किंग होती है, अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ मालूम करने के मार्क्स हैं। लेट से उसको एफ डैश कर देते हैं, या चलो फिलहाल एफ से ही शो कर देता हूँ। इसको आपने मालूम करना है कि अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ कितनी आ रही है, उसका तरीकेकार देखो पहले, ठीक है। देखिए सबसे पहले स्केल को इस तरीके से दीवार पे लगाया और खिड़की उस तरफ है ना, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट खिड़की होनी चाहिए, जहाँ पे लैब में हो जहाँ पर भी होगी खिड़की वगैरह तो होगी, दरवाजा होगा, मिसाल तौर पर उस तरफ खिड़की है, इस तरीके से जो है ना आपने लगा दिया इसको दीवार तक ना, और फिर इस तरीके से लेंस को रख दिया। अब लेंस को आप करीब लेके जाओ और दीवार में बनने वाले इमेज को देखोगे, जो खिड़की का इमेज बन रहा है दीवार पर वो कितना क्लियर है, देख सकते हो कि अभी जो इमेज है वो बिल्कुल धुंधला सा नज़र आ रहा है, ये मैंने करीब किया है ना, तो करीब करा तो ये क्लियर होता जा रहा है, अब जब और ज़्यादा करीब कर रहा हूँ तो वो धुंधला हो रहा है। आपने उस जगह पर देखना है जहाँ पर जो इमेज है वो बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आए, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास मोस्ट क्लियर, यही वाला आ रहा है, ये सबसे ज़्यादा क्लियर आ रहा है। यहाँ पर अब आप डिस्टेंस देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है 22, ये 22 नज़र आ रहा है, ये है 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इस तरीके से आप टाइम नोट कर लोगे डिस्टेंस कितना आ रहा है 22 सेंटीमीटर, और ये जो 22 सेंटीमीटर है ना ये होगा आपकी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है भाई। तो हमने इधर लिख दिया 22 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेट है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 21-22 जैसा भी हो चल जाएगा। ये रीडिंग मैंने इस वजह से करवाई है कि आप पता है क्या करोगे, जो एक रीडिंग है वो आप लोगे 2F पर, और दो रीडिंग 2F से पहले और दो रीडिंग 2F के बाद ले लोगे, यानी कि ऑब्जेक्ट वाली जो पिन है उसको रखने का तरीकेकार यह होगा कि एक को आप रखोगे 2F पर, 2F का मतलब हो गया ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, पहले आपने ऑब्जेक्ट पिन को 44 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखना है, ठीक है, और फिर दो कम कर लो, यानी कि एक रीडिंग ले लो आप यहाँ पर 42 सेंटीमीटर पे और एक 40 पे कर लेना, और दो जो है वो ज़्यादा वाली कर लो, टोटल पाँच हो जाएंगी, तो 46 और 48 सेंटीमीटर पे रख के ना इस तरीके से। तो इस वजह से अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ मालूम कर ली कि एक रीडिंग अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ पर आती है और दो उससे पहले दो उसके बाद, ठीक है ना, 44 पे रखना है और देखना है कि उसका इमेज कहाँ बन रहा है। ये देखो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने लेंस को कहाँ पर रखा, लेंस को हमने रखना है हमेशा 50 पर, ठीक है ना, और उसी तरीके से जो अभी हमारी पिन है जिसे हम कहते हैं इमेज पिन, जो कि हमारी अपोजिट तरफ होती है, ठीक है, उसको हमने रखना है कितने 44 डिस्टेंस पे, तो 50 से 44 मेजर करो, 2F का मतलब 44 है, तो 50 से 60 पर आ गए तो ये हो गया 10, 70 तक हो गया 20, ठीक है, 80 तक हो गया 30, 90 तक हो गया 40, और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमें 44 पे रखना है, तो हमें इसको कहाँ रखना पड़ेगा 94 पर, ठीक है ना, हमने इमेज पिन को 94 पे रखा, 94 का मतलब 94 और माइनस 50 करेंगे तो इस पिन का डिस्टेंस जो है वो 44 हो जाएगा, और अब हम चेक करते हैं कि कहाँ पर जो है वो इमेज क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे करके ऑब्जर्व करना है, एक आंख बंद करके इस पिन को आपने ऑब्जर्व करना है, और लेंस पे बनने वाली वो वाली जो पिन है ना, जो दूसरी वाली पिन है जिसका इमेज आपको लेंस में नज़र आएगा, उसको आपने ऑब्जर्व करना है, और किस तरीके से अरेंज करना है मैं आपको समझाता हूँ। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये वाली जो पिन है ये हमारी इमेज पिन है ना, जो हमारी तरफ होती है इमेज पिन होती है, और जो ऑब्जेक्ट पिन है
वो वहाँ पे लेंस बड़ी मोटी सी आपको नज़र आ रही होगी ना, ठीक है, वो लेंस में आपको नज़र आ रही है। अब आपने कैसे अरेंज करना है, फिलहाल अगर आप देखो तो दोनों पिन जो है वो एक दूसरे से कॉन्साइड कर रही हैं, लेकिन जो लेंस के अंदर पिन नज़र आ रही है वो थोड़ी सी मोटी है और हमारी पिन है उस लिहाज से पतली है। अभी आप क्या करो, ठीक है, अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो ये वाली जो पिन है जो हमारी तरफ होती है, इस पिन को कहते हैं इमेज पिन, और जिस पिन का आपको इमेज नज़र आ रहा है लेंस के अंदर ना, वो कहलाती है ऑब्जेक्ट पिन। ठीक है, अभी आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट पिन जो है लेंस के अंदर बहुत मोटी सी नज़र आ रही है, दोनों इन मतलब क्रॉस तो कर रही हैं दोनों, ये वाली पिन और ये जो इसका इमेज नज़र आ रहा है ये कॉन्साइड तो कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या देखना है, पहले तो कॉन्साइड करवाना है। टिप से टिप मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा कॉन्साइड हो जाए तो चलो इट्स ओके, थोड़ा बहुत बेहतर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लेफ्ट और राइट थोड़ा सा मूव होके देखते हैं। अभी आप देखोगे दोनों पिन एक दूसरे के साथ कॉन्साइड कर रही है, मैं लेफ्ट और राइट मूव कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा जो इमेज पिन है वो आगे की तरफ जा रही है और ये जो हमारी ऑब्जेक्ट पिन है ये पीछे की तरफ रह जाती है। अभी आप क्या करो, थोड़ा सा इसको क्लोज लेके जाओ, जब क्लोज लेके जाओगे तो अब आप देखो क्या हो रहा है, ठीक है, अभी भी क्या है, अब इमेज पिन ज़्यादा मूव कर रही है। अगर इमेज पिन ज़्यादा मूव कर रही हो तो पिन को अपनी तरफ मूव कराओ ऐसे करके, अगर इमेज पिन ज़्यादा मूव कर रही है तो ये जो पिन है इसको अपनी तरफ करोगे, अगर ये ज़्यादा मूव कर रहा है तो इसको करीब करेंगे, ठीक है ना। आप देखो क्या है, कैसा नज़र आ रही है सिचुएशन, तकरीबन अब एक साथ मूव कर रहे हैं। चलो मैं इसको और मूव कराता हूँ, इसको मैंने और मूव कराया, अब आप देखो क्या सिचुएशन बनेगी, दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं। अब मैं जा रहा हूँ अगर इस तरफ तो ये भी एक साथ ही जा रही है, इस तरफ मूव कर रहा हूँ तो ये भी तकरीबन एक साथ हो रही है। थोड़ा सा और इसको अपनी तरफ करके देखो, थोड़ा सा और अपनी तरफ किया और अब देखेंगे कैसा रहेगा। अब अगर मैं लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ तो पिन और इमेज तकरीबन एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा और अगर हो पाता है तो हम कर देते हैं बेहतर, ठीक है ना। पहले आप देखो कि सेंटर में जो है वो दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड कर रही हैं, पहले ये देखना है कि सेंटर में दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड कर रही हैं, ओके कर रही हैं। अब लेफ़्ट की तरफ देखोगे तो क्या होगा, एक तरफ देखा तो साथ साथ जा रही है, दूसरी तरफ देखा तो साथ साथ मूव कर रही है, इसे हम कहते हैं कि पैरेलेक्स ख़त्म हो गया है। और हमने अपनी जो रीडिंग है वो तभी ऑब्जर्व करनी है जब पैरेलेक्स रिमूव हो गया हो, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको पैरेलेक्स रिमूव करने का क्या तरीके क्या बताया, अगर पिन ज़्यादा मूव कर रही है और इमेज कम मूव कर रहा है तो हमें इस पिन को लेंस की तरफ करना है, और अगर जो इमेज है वो ज़्यादा मूव कर रहा है तो इसका मतलब पिन को अपनी तरफ करना पड़ेगा, अगर इमेज ज़्यादा मूव कर रहा है जैसे कि अभी मूव कर रहा था, ठीक है ना। अब डिस्टेंस मेजर करना है, जैसे ही पैरेलेक्स रिमूव हो जाए तो आपने डिस्टेंस को मेजर करना होगा कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है भाई। तो लेंस तो हमारा 50 पर ही था और अब जो हमने पिन को एडजस्ट करा है तो पिन आ रही है हमारी तरफ 6 पर ना, पिन हमारे पास 6 पर आ रही है, ये देख लो 6 पर आ रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे 50-6 ये हो जाएगा 44, तो इसका मतलब हमने पिन को भी रखा था, जो इमेज पिन थी उसको भी 44 डिस्टेंस रखा था और अभी जो इमेज आ रहा है वो भी 44 पर आ रहा है। तो पहली रीडिंग को हम लोग नोट कर लेंगे 44 एंड 44, ठीक है भाई। तो ये इमेज डिस्टेंस भी आ गया 44, अब क्या करेंगे यहाँ पे P प्लस क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 44 प्लस 44, ये हो जाएगा कितना 88, और फिर P इंटू क्यू करेंगे ये आ गया 1936, ठीक है, और फिर 1936 डिवाइड बाय 88 करना है, डिवाइडेड बाय 88, तो ये आंसर आ जाएगा 22। आंसर और अप्रोक्सीमेट करीब करीब आने चाहिए, बाकी सारे नहीं मिले शायद, लेकिन एक आध आंसर तो बिल्कुल 22 आना ही चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप मुख्तलिफ जो है वो रीडिंग लेंगे, मैं एक रीडिंग और लेके आपको बताता हूँ 42 या 46 वाली, उससे जो है वो आपको तरीकेकार समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड रीडिंग के लिए क्या करना है, हमने इसको रख देना है, पहले हमने रखा था इसको 44 पे, 44 के लिए हमने 94 पे रखा था, अब आप इसको रख लो 42 पे, 42 का मतलब हो गया इसको आप 92 पे कर लोगे, ठीक है ना। अब 92 पे रखना है, फिर इसी तरीके से पहला कहाँ रखा 94 पर, फिर 92 पर, फिर 90 पर, दो दो ये दो आपने जो है वो 94 से इस तरफ लेनी है, यानी कि 96 और 98 पर, ठीक है, और दो रीडिंग आप इस तरफ ले लोगे, एक हो जाएगी 92 पर और एक हो जाएगी 90 पर, तो इस तरीके से टोटल जो है वो 5 रीडिंग्स हो जाएंगी, और जो डिस्टेंस है उसको फिर हम लोग नोट कर लेंगे। अभी मैं दूसरी मरतबा ऑब्जर्वेशन लेना सिखा रहा हूँ, अब मैंने इसको रख दिया है 92 पर, ठीक है ना। जब हमने इसको 92 पर रखा तो आप देखते हैं कि इमेज कहाँ पर जो है वो बनेगा, तो अभी आप देख सकते हो कि जो इमेज पिन है और जो ऑब्जेक्ट पिन है ना बिल्कुल ही अलग अलग नज़र आ रही है। अब हमें क्या करना है, अब दोबारा से एडजस्ट करना है, देखो अगर मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ तो दोनों कॉन्साइड तो कर रहे हैं, लेकिन जब मैं मूव करूँगा लेफ्ट और राइट तो वो जो पिन है वो ज़्यादा मूव कर रही है जो लेंस के अंदर है। मैंने बताया अगर वो वाली पिन ज़्यादा मूव कर रही हो तो इसको ये वाली पिन को अपनी तरफ मूव कराना है, और अगर ये ज़्यादा मूव करती तो करीब ले जाते। अभी वो ज़्यादा मूव कर रही है
तो हम इस पिन को अपनी तरफ करेंगे, हम इस पिन को अपनी तरफ करेंगे, अपनी तरफ करेंगे, और अब देखते हैं कौन साइड कर रही है। ओके, लेफ़्ट और राइट मूव कर रहे हैं, नहीं अभी भी थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, उसको थोड़ा सा और हमने अपनी तरफ किया, इस तरीके से कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं, अब तकरीबन एक साथ मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट और राइट थोड़ा सा वहाँ पर जाके अलग हो रहे हैं कॉर्नर पे जाके, लेकिन इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा और डिस्टेंस को एडजस्ट करके देख लो, ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो पिन और इमेज दोनों एक साथ मूव करने चाहिए, सही बात है, पिन और इमेज दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो अब इस डिस्टेंस को हम लोग नोट कर लेंगे, ये होगा हमारा दूसरा डिस्टेंस, जब हमने जो इमेज पिन है उसको हमने रखा था 92 का मतलब 42 के डिस्टेंस पे, क्यू को हमने रखा था, अब पी को मेजर कर लेते हैं कितना है हमारे इस पिन का डिस्टेंस। राय ये तो अभी भी 50 पर रखा हुआ है, और जो हमारी पिन है, जो इमेज पिन है, वो आ रही है 4 पर, तो 4 का मतलब हो गया 50-4, ये आ जाएगा हमारे पास 46 पर, यानी कि अब जो दूसरा वाला हमारा डिस्टेंस आया है इमेज का, वो आया है 46, जबकि जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो रखा हुआ था 42 पर। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा 42 पर, तो ये आंसर आ गया 46। ठीक है भाई, अभी भी क्या होगा, 42 प्लस 46 ये आ जाएगा हमारे पास 88। ठीक है ना, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, 42 और 46 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 42 × 46, ठीक है ना, ये आ गया 1932, और फिर जब 1932 को डिवाइड कराएंगे हम लोग दोबारा से 88 से, तो ये आंसर आ जाएगा 21.9। इसी तरीके से आप जो है वो बाकी जो है लेंथ को आप देख लोगे कितना आएगा, तो मैं अप्रॉक्सीमेट रीडिंग आपको बता देता हूँ किस तरीके से करोगे। 40 पर जो आंसर आएगा वो तकरीबन 48 के बराबर आ जाएगा, 46 पे जो आंसर आएगा वो तकरीबन 42 के करीब आना चाहिए, और इसी तरीके से जो 48 पर आंसर आएगा वो तकरीबन 40 के अराउंड आना चाहिए। ठीक है ना, अराउंड कह रहा हूँ मैं, तकरीबन इतना ही आंसर आएगा। दो रीडिंग लेने मैंने आपको सिखा दिया, बस बाकी रीडिंग भी आप ले सकते हो, और चाहो तो इसको सेम भी लिख दो, बेहतरीन काम हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये मेरे और आपके बीच का सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं है। ठीक है भाई, ओके, तो अभी क्या 42 × 46, अच्छा वो तो हमने कर लिया था ना, 40 × 48, 40 + 48 ये तो आपको पता है 88 हो गया। ठीक है, यानी कि सारे के सारे तो 88 ही आएंगे सम। अभी क्या फ़र्क आ जाएगा, अभी 40 × 48 करना, 40 × 48 ये हो गया 1920, और डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिवाइड बाय 88, सो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 21.8 के। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 42 × 46। ठीक है, ये दोबारा वही वैल्यू आएगी 1932, और ये आंसर आ जाएगा 21.9, और यहाँ वाला जो आंसर है 1920 ये आ जाएगा 21.8। अब जो मेन फोकल लेंथ है वो इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करना है, तो मैं इनको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करता हूँ, 21.8 प्लस 21.9 प्लस 22 प्लस 21.9 प्लस 21.8। ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिवाइड बाय करना है 5, 21.88। ठीक है ना, तो अब जो हमारा आंसर आ रहा है मीन फोकल लेंथ वो 21.88 है, और वो हमारे अप्रॉक्सीमेट जो फोकल लेंथ है उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगी हमारी मीन फोकल लेंथ, जिसे हमने नोट करके रखना है। तो यही था हमारा ऑब्जेक्टिव, बाकी वाइवा वाले क्वेश्चन आप देख सकते हो अपनी बुक्स वगैरह से, जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हो। तो नॉन पैरेलेक्स मेथड यही था, पैरेलेक्स को रिमूव किया हमने, पिन्स एक साथ मूव करती हैं तो पैरेलेक्स रिमूव हो जाता है, और फोकल लेंथ मालूम कर लिया ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। सो आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन है तो अभी भी आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन है, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।